नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बेटा वो जो चार लोग वो लौंडे नेपाल भेजे हैं, नेपाल पहुंचते ही पहले उनका पासपोर्ट ले ले और उनको किसी गेस्ट हाउस में सेट कर। तलाम भाई। हाँ, अरे 12 साल हो गए मेरे को धंधे में था पा, अपने बाप को कबर खोदना मत सिखा। हाँ बस चिपचिन कर दे बेटा, मुंबई वाला। हाँ मिर्जा बैठ, क्या हुआ? वो घाट कोपर वाला देसाई बिल्डर है ना भाई, 10 पेटी लेने थे उससे, बार बार टाइम मांगता है। ये बिल्डर लोग बिल्डिंग खूब बना रहा है, हमसे प्रोटेक्शन कम ले रहा है, समझा उसे, टाइम पे पैसा नहीं दिया ना तो उसका स्लैब गिराने पठान को वक्त नहीं लगेगा। हाँ पांडे क्या हुआ? वो रईस भाई है ना भाई, फिल्म प्रोड्यूसर, 20 पेटी मांगता है, कल से उसका शूटिंग चालू है। ये साला रईस सुधरेगा नहीं, 4 पिक्चर फ्लॉप हो गए फिर भी उधार लेके पिक्चर बना रहा है, काय के लिए पिक्चर बनाते ये लोग? हीरोइन को बाहर घुमाने ले जाने के लिए पिक्चर बनाते क्या? ये प्लाईवुड का क्या नशा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। प्लाईवुड नहीं भाई, बॉलीवुड। ऐसा क्या? हाँ बॉलीवुड भाई। तू ज़्यादा जानता है, इंग्लिश आती तेरे को? नहीं भाई। तेरे को पिक्चर लाइन में जाने का? नहीं भाई। हाँ फिर कौन सा हुआ? प्लाईवुड।
जोर से बोलना, बारिश हो रही बार। प्लाईवुड भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वही रख। क्या हुआ? होना क्या, खबर आई है? वो जो रघु शेट्टी के लोग है ना, वो वालिया ग्रुप वाले में से किसी को उड़ाने वाले। बोले तो उड़ा दो, कैसा लेको डाल दो कैसा लेको। अरे आराम से आराम से, तेरा दिमाग बिल्कुल अब्बा जी पे गया, खोपड़ी गर्म है तेरी। तो क्या करूं, ये साला रघु शेट्टी बहुत बड़ा हलकट है, इसी पतलून के लिए करनी पड़ेगी। मिर्जा फोन लगाओ सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई पठान के यहां से फोन था, बोल रहा था कि अगर हम लोग वालिया ग्रुप के ऊपर हाथ डाले तो सब तकलीफ में आ जाएंगे। पाट तो तेरी जिंदगी पे पठान, पठानवाड़ी में रह के क्या शाना बनता है बे? कुछ नहीं रे, वो मिनिस्टर मानिकराव और वालिया का सपोर्ट है उन लोग, लेकिन उन लोग की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। भूल जाते हैं शाने लोग की अपने को भी यादव और गायकवाड़ का सपोर्ट है। अपोजिशन में तो क्या हुआ हाँ? तुम लोग इतना टेंशन क्या ले रहे ले? छोकरे लोग को रोकने का नहीं, बोलो जाओ और वालिया ग्रुप पे 3-4 फायरिंग कट डालना। ठीक है भाई। फायरिंग होते साला पतलून गिली होगी और माल आना शुरू हो जाएगा। हेलो मिस्टर बामन, हाउ आर यू? त्रिपाठी साहब क्या हाल है? ठीक। वालिया साहब कहाँ? बस आते ही होंगे। हाँ सुनो, तुम भी घोड़ों पे दांव लगाते हो क्या? अबे त्रिपाठी, मैं घोड़ों पर नहीं घोड़ी पर दांव लगाता हूँ, समझे? कम डालें। नमस्ते भाभी। अबे भाभी जी नहीं है, पंछी हैं, पंछी मूड बनाने वाले पंछी, समझे? वाले सर। हेलो, व्हाट इज योर नेम? रोशनी, शाम को मिस्टर ओब्रॉय आ रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर सीधे फार्म हाउस चली जाना। इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर अस। ओके डार्लिंग, राइट, आई विल डू इट। यू लुकिंग गॉर्जियस। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी, मैं जरा मिस्टर मर्चेंट से मिलकर आती हूं। ओके डार्लिंग। सर अपने वीआईपी गेस्ट लोगों का मूड बनाने के लिए कुछ आइटम लेके आया था सर, अपर क्लास भी है सर। त्रिपाठी से बात कर लेना। थैंक यू जी। कम डार्लिंग, I'm dead sure about Black Sheep. He's definitely going to win. That's the one. That's going to win. Hi, Pradhan. Oh, really? Hi. How are you? How are you? Fine, thank you. What's up? What's up with you? Hi. Hi. By the way, Nasik ke naye textile mill ke liye congrats. Too much in news, eh? Thanks. Mr. Merchant ne tumko president booth pe bulaya. Yeah, race ke baad milenge. Come meet Pradhan, the chemical tycoon. Roshan. Hi. Nice to meet you. Nice meeting you. डार्लिंग, हमने कौन सा घोड़े पे दांव लगाया है? थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट। गलत कर रहे हो वालिया तुम, आज का दिन ब्लैक शिप का है, क्योंकि उस पर प्रधान ने पैसे लगाए है ना। देखेंगे देखेंगे। ऑल द बेस्ट। वालिया खा गए ना मत, ब्लैक शिप ही सबसे आगे है। याद रखना, प्रधान सिर्फ जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाता है।
बैड लक है हां भाई सॉरी प्रधान, तुम्हें और मुझ में यही फर्क है। तुम हमेशा जीतने वाले घोड़े पर ही पैसे लगाते हो और मैं जिस घोड़े पर पैसे लगाता हूं उसे जीतना ही पड़ता है। Better luck, man. Better luck next time. Excuse me, darling. I am major. Mm-hmm. So I'll see you later. Okay? Okay. Nice. Okay, bye. Pick up the phone. मानिक राव पठान को फोन लगाओ। ए हिलना नहीं, हिलना नहीं, हाथ नहीं लगाना, देख लेगा तेरे को। ए चल पुलिस स्टेशन पहले, आराम से चलता है कि नहीं तेरे, धक्का नहीं, चलो हटो हटो। अरे गोली चला था वालिया सब पे, गोली चला था, हाथ तोड़ दूं मैं तेरे, हाथ तोड़ दूं। अरे तेरे बाप रघु शेट्टी को अंदर करवा दिया फिर भी चर्बी नहीं उतरी तेरी, हाँ क्या कहा तुझको, क्या बोला था तुझे, वालिया हमारा आदमी है, उस पर आंख उठा के मत देखना, तूने उसे एक्सटॉर्शन मांगा, तेरी इतनी हिम्मत की दूसरा गेम बजाने चला है। कितनी बात करते हो भाई, कितनी बात करते हो साले से, कितनी बात करते हो। चल भाई भूख लगी है, कुछ खाते हैं, कबाब शबाब। साफ तो कर बेटा, हाँ डाल दे। सर टाइम का ख्याल। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। मानिक राव जी, पिछले 8 महीनों में गौतम वालिया ऐसे चौथे बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर अंडरवर्ल्ड का हमला हुआ है, इस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती है, पुलिस अपना काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। आप कहते हैं सब नॉर्मल है जबकि बिजनेस कम्युनिटी और फिल्म इंडस्ट्री पे बढ़ते हुए एक्सट्रॉशन ट्रेड आपस के गैंगों ये दिखाते हैं कि अंडरवर्ल्ड के हौसले पहले से बढ़ गए हैं। ऐसी बात नहीं है, जिन जिन लोगों को एक्सट्रॉशन की धमकी मिली है उन लोगों को सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी गई है, हा? अब रहा सवाल अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों का, तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 4 सालों से जब से मैंने गृह मंत्रालय संभाला है उनमें कमी आई है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड का सफाया होकर रहेगा। नमस्कार। थैंक यू मानिक राव जी, जो आपने रघु शेट्टी को अंदर किया। अरे तुम पर हाथ डाला है वालिया, तो अंदर तो जाएगा ही ना। तुम बेफिक्र रहना। अरे हाँ, आज मेरे नए होटल की ओपनिंग है, शाम को आना मत भूलिएगा। तुम्हारी पार्टी और मैं ना, ऐसा कभी हुआ है? Dum dum dum, 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 dum dum dum
से हो हीराचंद से? बस जी कृपा है। कब आए सूरत से? बस दो दिन हुए। बैठो बैठ। हाँ वालिया। हाँ तो कहिए, हमारे पैसों की क्या पोजीशन है? जी जी, आपने जो 150 करोड़ रुपए मुझे दिए थे वो हवाला के जरिए आपके स्विस बैंक के अकाउंट में जमा करा दिए, और माणिक राव जी को जो सरकारी जमीन पर 70 करोड़ कमीशन मिले थे वो आप दोनों का जो ज्वाइंट अकाउंट है सिंगापुर में वहां ट्रांसफर करा दिए। बस ये पोजीशन है। अब और कोई सेवा हो इस नाचीज के लायक तो बताइए। अरे हीराचंद सेठ, रुपया तो बहुत चाहिए भाई। क्या है, आने वाले 6-7 महीने में इलेक्शन है ना जी, और हमें वो दूसरे स्टेट की तरह खिचड़ी वाली सरकार नहीं बनानी। हाँ उसकी फिक्र मत कीजिए आप। हम किसके लिए बैठे, किसके नाम कितना पैसा कहाँ भिजवाना है भिजवा दीजिए। दिस काइंड ऑफ मनी इज पीनस फॉर मी। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो चड्डा ब्रदर्स और अपने जज साहब सानी के मैटर का क्या? हाँ जज साहब, क्या दिक्कत क्या है आपकी? क्या बताऊं, दिक्कत तो बहुत बड़ी है। आप ही लोगों के कहने पर मैंने एयरपोर्ट के पास वो स्लम लैंड की जो डिस्प्यूट थी उसके डिस्प्यूट के मामले में मैंने चड्डा ब्रदर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसी मामले में 200 करोड़ रुपए देने की बात किया मैं, लेकिन अभी तक इन्होंने सिर्फ 30 करोड़ रुपए भिजवाए। आज की डेट में उस जमीन की मार्केट वैल्यू 400 करोड़ रुपए है। अब हम अपनी रकम वसूल करने के लिए इनके पीछे पीछे घूमते रहे या हम अपना काम करें? भिखारी नहीं हम। माफ करना, भिखारी हम भी नहीं है, बिजनेसमैन है। अरे बताया तो था कि कुछ मुश्किल है, थोड़ा वक्त चाहिए, मगर यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं है। ये मत सोचना कि हम डर जाएंगे वालिया, अगर तुम्हारी पहुँच स्टेट तक है तो हम भी दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, मेरा तुम पर और तुम्हारी कंपनी पर बहुत एहसान है। शायद तुम भूल रहे हो, याद है वो विशाल बिल्डर्स, लोग समझते हैं कि वो एक्सीडेंट में मारा गया, मगर उसका चौथा रखने में मेरा बहुत बड़ा हाथ। और वैसे भी तुम जानते हो कि मेरा उसूल है कि मैं कोई गलती माफ नहीं करता। क्या प्रॉब्लम है तेरा? देखो आपके पास लाइसेंस नहीं है और मोबाइल पे भी बात कर रहा है तो क्या करेगा तू? आपको फाइन भरना। मेरे से जानता है कौन है मैं? आप कोई भी हो, इस एरिया के एमएलए का बेटा हूँ, मात्रे साहब का बेटा हूँ, समझा? आप फाइन तो भरना ही पड़ेगा। ए तेरे को बोला ना दिमाग का दही नहीं करने का, अभी चल हट। कौन है तू? खामोश। अबे ओ तेलगी की छठी औलाद, बिल्ली के नाखून बढ़ जाने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती, और ये चुटकी आज के बाद अपने चमचों के आगे बजाना, सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह क्राइम ब्रांच के आगे नहीं। आज के बाद दोबारा कोई ऐसी हरकत की ना तो ये हाथ खाने के लायक तो क्या, धोने के लायक भी नहीं रहेगा, समझा? चल अब मैं तेरे बाप के पास ले चलता हूं, तुझे मंत्रालय के शेयर कराऊं। आजा बेटा। हाँ गोस्वामी, खालिद बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। हाँ वालेकुम सलाम।
अरे सुन यार, यार तेरे पेपर में अपनी फोटो वोटो छपा ना यार। हाँ नहीं मैं क्या करता हूँ, अगली बार नायक साहब एनकाउंटर करते हैं ना तो एक डेड बॉडी पकड़ के उस पे पैर डाल के फोटो खिंचवा लेता हूँ। हाँ डालना यार तेरे पेपर में यार। हाँ दूंगा ना 5,000 रुपये दूंगा। हाँ यार अपने को भी प्रमोशन मिले ना, ये साला इधर हेड कांस्टेबल बन के कब से लटक गया हूँ। ठीक है ओके खुदा हाफिज भाई। क्या कंप्लेंट है भाई बोल। साहब मेरी बीवी भाग गई साहब। क्या बात करता है, अरे वाह ऐसा क्या किया यार, जरा हमको भी तो सिखा। अबे ये क्राइम ब्रांच है, इधर ऐसी कंप्लेंट नहीं लिखाने की। ओ गली के नाके पीपल का पेड़ है ना, वहां पे 16 नंबर का बीट है, उधर जाके शिंदे को लिखा। शिंदे? हाँ वो बीवी पकड़ने में एक्सपर्ट है, उसकी खुद की बीवी 5 बार भाग गई थी ना। क्या बात कर रहा है? जा और सुन सुन सुन, उसको बराबर लिखा ना, तेरी बीवी काली थी, गोरी थी, मोटी थी, पतली थी, मेल थी, फीमेल थी। मेल? अबे जाना पानी कम जाना यार। ए नामदेव? हाँ खालिद भाई। तेरी जेब खाली है क्या? क्यों? मेरे को पान थूकने का है। क्या मजाक करता है खालिद भाई, आपको पता है कल पेपर में आया था क्या इतना पान खाने से मुंह का कैंसर होता है। क्या बात करता है यार? तो तौबा तौबा तौबा, कल से बंद। पान बंद? अरे नहीं रे पेपर बंद पगले। ये पान वान छोड़ो और कल से दूध भी पिया करो। अरे तुझे पता है यार, कल मेरे मोहल्ले में एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। वो कैसे? अरे मजे से दूध पी रहा था, अचानक उस पे भैंस बैठ गई। क्या खालिद भाई आप भी। हेलो यस सर, अभी मैं अपा साहब को बताता हूँ। ओके Ah!
बोल देता हूँ। साला शराब बनता है, भाई बनने का बहुत शौक है तेरे को। हाँ चल चल, मैं से मार दूंगा। उसे मार देगा तो तू बच जाएगा लगता। नया नया क्या नाम है तेरा? हेमंत पांडे। क्या बोला? हेमंत पांडे। हेमंत पांडे तेरा नाम तो नहीं है लिस्ट में है? अभी अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ सब नया नया ज्वाइन किया हूँ। नया कंपनी ज्वाइन किया तो फटाफट छोड़ देना, चल जा चल जा। बोला ना छोड़ दे वरना ठोक डालूंगा साला। छोड़ डाल उसको, जोर वोर दे, सरेंडर कर, डाल दे साला, बचेगा अभी, चल जा। ए दशरथ पाटिल, साला अप्पा को एड़ा समझता है? बैंगलोर से आया अप्पा और भाई दिन आने पांडे। वालिया मेरे को लग रहा है मुंबई शहर में म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते कम मर रहे हैं, मेरे आदमी ज्यादा। पठान का दाव तुम जानते हो ना, ये पुलिस को जरा समझा देना। पठान फिकर मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी, बाद में बात करते हैं। पुलिस का एक सर, सर पुलिस की मनमानी कब तक चलती रहेगी? आखिर जनता को जवाब देना होगा। ह्यूमन राइट्स का सवाल है। सर प्लीज प्लीज, ब्लडी मीडिया। बैठिए, प्लीज सिट डाउन। आप लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? दिन दिहाड़े इस तरह के एनकाउंटर को ह्यूमन राइट्स वाले पुलिस का अत्याचार कह रहे हैं। अगर आप पुलिस के इमेज को सुधार नहीं सकते तो कम से कम उसे बिगाड़िए तो मत। सर लेकिन वो लोग तो पठान के शूटर्स थे, अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो। शट अप, तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई जिंदा नहीं पकड़ा जाता। एनकाउंटर कर करके तुम क्या मीडिया के स्टार बनना चाहते हो? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने जिन लोगों को मारा उन पर एक्सटॉर्शन और मर्डर के केसेस थे, और सवाल मुझसे पूछा। स्टॉप इट विक्रम, तुम तो क्राइम ब्रांच में इसके सीनियर हो, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। जाने दीजिए सर, जवान है, जवानी का आलम है, इस उम्र में लड़ेगा नहीं मारेगा नहीं तो फिर जवानी किस काम की सर। मेहरबानी करके आप अपनी फिलॉसफी बंद कीजिए। लिसन, नेक्स्ट टाइम यू बेटर बी केयरफुल, अंडरस्टैंड सर। तो फिर कैसा रहा दिन? वैसे ही जैसे रोज। आज फिर कोई बात हुई क्या? साहब का मूड ठीक नहीं लग रहा है। एक बात कहूं, जब तुम सुबह काम पर जाते हो ना तो सारा दिन चिंता रहती है, नजरें दरवाजे पर रहती हैं और मन में भगवान का ध्यान। जितना ख्याल तुम अपनी ड्यूटी अपने काम का रखते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे लिए भी रख लो। आखिर तुम्हारे अलावा हमारा है कौन? मैं समझता हूं जानके, अगर क्या करूं ये नौकरी साले हाथ पीछे बांध देते और फिर कहते हैं कि मुजरिमों को पकड़ो। जानकी एक सीनियर अफसर आ जाए ना जो मेरा हाथ खोल दे तो भाईगिरी का ये रिवाज ही मिटा दूंगा इस शहर से।
रामजी भाई का आदमी है क्या? हाँ। क्या रे? मालिन है इधर, रामजी भाई का नया आदमी है तू? और ये साला क्या पुलिस है तेरी जो अपना मुंह छुपा के इधर? अपने रामजी भाई को बोल देना अभी मेरे पास 500 का नहीं 1000 का नोट बनाने का प्लेट आया, समझा? चल उठा 5 करोड़ का माल और निकले यहां से। और अपने रामजी भाई को बोल देना अपना कमीशन शाम तक पहुंच जाना चाहिए। मंजीत भाई, मंजीत भाई। क्या बे? ये क्राइम ब्रांच वाला अपने पे वॉच कर रहा था, इसकी जेब से ये मिला है। अजीम, इसको धर ला। चल चल साले, पुलिस का आदमी है। मैं बताता हूँ साले को। क्या रे, बाहर खड़ा होकर झाड़ी कर रहा था? और कौन है तेरे साथ? साले जानता नहीं मैं कौन हूं, बाप हूं मैं सबका बाप। बोल कौन है तेरे साथ? बता नहीं तो बाकी की पांचों की पांचों डाल दूंगा तेरे भेजे के अंदर। क्या हो? उड़ा लो साले को।
बाप बनने का बहुत शौक है ना तेरे को? पहचान अपने बाप को। कांग्रेस पटनायक, तुमने तो उस गैंग की कमर ही तोड़ दी। वेल डन। थैंक यू वेरी मच। सब बस 3-4 लोग बाकी हैं, उन्हें पकड़ते ही नकली नोट बनाने वाले की। तुम फिक्र मत करो पटनायक, ये जो नया ऑफिसर आ रहा है वो सब संभालेगा। नया ऑफिसर? वो क्यों सर? तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें प्रमोट कर दिया गया। तुम्हारा ट्रांसफर मुंबई क्राइम ब्रांच में हो गया एज DCP क्राइम डिटेक्शन। सर इसे मैं प्रमोशन समझू या किकअप ऑर्डर? तुम्हें क्या हो गया पटनायक? तुम्हें मालूम है इस पोस्टिंग के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? वो पैसे तुम्हारे बच ही गए, उसके अलावा जो ऊपर से आएगा वो अलग। एक बात बताइए, मुझे यहां से हटाने के लिए कितना है? पटनायक मैनर्स, ये लो, ये रहा ट्रांसफर ऑर्डर। ठीक है सर, अगर ईमानदारी से ड्यूटी करने का यही नतीजा है तो ठीक है, ये रही फाइल। सर रोशन, अगर मैं 2-4 दिनों के लिए भी मुंबई से पुणे आ गई तो तुम लोग इतना भी काम नहीं संभाल सकते? तुम्हें पता है कि शो 6-7 दिनों में है और पहले से ही डिले हो चुकी है। अब सुनो, क्लोथ्स को तैयार करो और मॉडल्स के साथ कोऑर्डिनेट करो, ओके? बाकी सब मैं आकर संभाल लूंगी। ओके, लिसन, आई विल कॉल यू बैक। किरण, बात ऐसी है कि मैंने बस 2 दिन खास मैं मुंबई से पुणे तुम्हारे साथ वक्त बिताने आई थी और इसके बारे में 1 हफ्ते पहले हमारी बात हो चुकी थी। तब साहब ने कहा आ जाओ, मैं रिलेटिवली फ्री हूं। तुम्हें पता है मैंने अपने कितने फैशन शोज एडजस्ट किए हैं और सुबह से 3 बार फोन पर तुम टाइम चेंज कर चुके हो। अब चुप क्यों हो? मेरा ट्रांसफर हो गया। अब कौन सा शहर आना पड़ेगा? मुंबई। लो चलो, अब मुंबई की भी। रियली आई लव यू ओम। साला, मेरे आदमी पर उस्तरा मारता तुम लोग। मंगेश कहाँ? नहीं मालूम मेरे को। मंगेश कहाँ है? बोलो ना, तेरे को नहीं जानता मैं। ए साहब, हाथ नहीं लगाने का, अपन भी कानून जानता है। दमागे कंडा पर टपाते हुए मैं गुंडे पड़ रहा हूँ। क्या बोला सर? कुछ नहीं, डर गया मैं, डर गया साला। और एक भाई कानून जानता है। मैं क्या बोलता हूँ साहब, आप भी कानून के हिसाब से ही चलो ना। वैसे ही चलो। एकदम। उठ बे, चले उठ। खालिद, ये सर्विस रिवॉल्वर तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन इसका सर्विस बहुत कमाल का है सर। एक गोली मारो 2 मर जाते और तीसरा खौफ खा के मर जाते। बस क्लास। तो फिर खालिद तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा मिलोर्ड कि आप उससे सवाल पूछ रहे थे तो ये आपसे बदतमीजी कर रहा था। फिर आपने कहा कि पावले भाई तमीज से बात करो, मैं भी इंसान हूँ। तो इसने कहा तू इंसान थोड़ी है, तो पुलिस वाला है। फिर आपने फाइनल वार्निंग दी तो एक घोड़ा निकल के आगे बढ़ा। फिर आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और पावले अपनी गलती से मारा गया जैसे और लोग मारे गए। सब कानूनी तौर पे हुआ ना? बिल्कुल सर, कोई शक ही नहीं है। तो फिर इसके लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। यस सर। क्या माय तुन्नी, ये तो क्या हमेशा मुंह खोलने से पहले पेशाब करता है? ये पुलिस स्टेशन है, तेरे ससुर का घर नहीं? इधर उधर मुंह का पहुंचेगा कौन रे? आता मंगेश, लक्षदीप बार में मिलेगा साहब। खालिद जी, नाइट पेट्रोलिंग पे कौन है? विक्रम साहब। सर, विक्रम साहब मंगेश उस्तरा को पकड़ के लाए। आ गया अप्पा, जा अपना हाथ साफ कर। मंगेश भाई, भाई साला, साला चिल्लाता उस्तरा मारता, साला पुलिस वाले पे उस्तरा मारता। भाई है तू बंबई में एक ही भाई है, पुलिस वाला, समझा ना? बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, समझा ना?
मेरे आदमी पर वसीला मारता है। यह है सार्वजनिक धुलाई। खाकी धोबी का अप्पा के आदमी को मारता है, अप्पा के आदमी को मारता है। बाहर बाबू को मार के देख, बाबू सोचा मार के देख साले। बहुत पहले मैंने सीखा था कि किसी भी जगह ड्यूटी ज्वाइन करो तो एक दिन पहले ज्वाइन करो, असलियत बाहर आ जाती है। क्या नाम बताया तुमने अपना? अपना नाम बता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या नाम है तेरा? खालिद। क्या खालिद? पान बार तो क्या हो? चलो हो गया, अंदर ही थूक दिया। देखिए, आज यहां का चार्ज लेने के साथ मैं आप लोगों को यह समझा दूं कि इस वर्दी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मौजूद है। एंड आई हेट पीपल हु आर इररिस्पॉन्सिबल। ये लोग भले ही क्रिमिनल्स हैं पर इंसान हैं, इनके भी कुछ हक हैं। कुछ जोक याद आया तुम्हें? बताओ बताओ, कम ऑन टेल मी, शेयर विद मी, आई वांट टू लाफ। जोक ही तो है सर, जिन्हें आप इंसान कहते हैं वो पठान के शूटर्स हैं। उनके लिए तो किसी की जान लेना खाना खाने के बराबर है। ऐसे हरामियों के तो हाथ पांव काट कर ट्रैफिक सिग्नल पर बता देना चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। और तुम इन लोगों को समझाने की बजाय तुम आराम से बैठ के वहां चने खा रहे थे। छोटे मोटे गुंडों को मारने का मतलब क्या है? अगर पहलवानी दिखाने का इतना ही शौक है तो इनके बाप दादा को पकड़ के दिखाओ। देखिए, आप इन भाई लोगों को नहीं जानते, इनकी पहुंच कानून से बहुत ऊंची है। इंस्पेक्टर सिंह, शायद हम लोगों ने कानून की अलग अलग किताबें पढ़ी, क्योंकि मेरी समझ में यही आता है कि कानून की पहुंच सबसे ऊंची होती है। यू मे ऑल गो नाउ। सर, सुनो, वो क्या नाम है उसका, दादा लोगों की फाइल मेरे पास लेके आइए। क्या बोलते हैं तुम्हारे मुंबई भाषा में? भाई लोग। चाहिए उनका चिट्ठा मेरे पास लेके आइए। चाहिए? यस सर। अंडे बेचे और मेरे कुड़ी बातें पकड़। ये बहुत तकलीफ होने वाला है सर। बोलते हैं पान थूक के आओ, पान थूक के आओ। अरे 15 रुपए का पान है, वो भी फुकट में, तो थूकने की चीज है? कच्ची मिट्टी का घड़ा है, देखते हैं कितनी बरसातें झेल पाता है। फिर पान खा रहा है, चला चाय पीते हैं। एवरीथिंग इन माय हैंड। एक मिनट, सो इट इज अप टू मी। एक्सक्यूज मी, क्या है? मेरी बीवी मायके गई है, एक हाथ कन्या का जुगाड़ करा दे, मेरा मूड बना दी। यार बीवी तेरी मायके जाती है, तकलीफ तू मुझे देता है। मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा चल, कोना पकड़, मैं बनाता हूं। चल चल वाली, चल तू। ब्लू कलर, रियली? पर आप गलत नहीं हो सकते। माने ग्रो, कैसे हो? सब वालिया, तुम्हारी पार्टी में रौनक कमाल की होती है। हाजी सर, वालिया साहब की पार्टी हो और रौनक ना हो, इम्पॉसिबल। हेलो माणिकराव जी, आज अच्छा मौका है प्रधान से बात करने का। वालिया, बात आज ही हो जाए तो अच्छी बात है। क्या है माणिकराव जी? Sure, drop by. Oh, really? Good evening. Excuse me. Hi, Susan. Hi. माणिकराव जी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। Excuse me. Yes, sure. फिकर मत कीजिए, बस आपकी कृपा है। मैं जरा और माणिकराव जी, कैसी चल रही है आपकी सरकार? हमारी सरकार तो चलती ही रहेगी, अगर आप भी हमारे साथ आ जाएं तो 4 चांद लग जाएंगे। तो क्या कह रहा था मैं प्रधान जी, भूल गया मैं? हाँ, वो गुजरात में हजीरा के पास जो 6,000 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल का जो प्लांट है ना आपका, उसमें अपने बेटे के नाम 25% शेयर चाहिए बस। यानी कि पार्टनरशिप। समझदार है आप। क्या है, इसी तरह अपना रिश्ता बनता चला जाएगा, हा? फिर साथ चलकर मिलकर छोटे बड़े काम कर सकते हैं। देखिए माणिकराव जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप जानते हैं
मेरा सपोर्ट और मेरी लॉयल्टी ऑपोजिशन यानी कि यादव और गायकवाड़ के साथ है। चार साल से अपोजिशन में बैठे हैं, क्या औकात है उनकी? अगली बार भी हमारी ही सरकार आएगी, हमारा साथ दोगे, फायदे में रहोगे। माफ कीजिएगा मानिकराव जी, मैं बिजनेसमैन हूं, नेता नहीं। ये दोस्त और दल बदलने की आदत आपको होगी, मुझे नहीं। गुड डे। क्या बोला? नहीं मान रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मना लूंगा। वाली अब बेहतर है इसे समझा देना। Enjoy yourself, baby. हाय प्रधान, रोशनी अजीत प्रधान। हाय, इन्हें कौन नहीं जानता। Well, hope you are having a great time. Great time. All right, all right, boy. Keep it up. Hey, Mrs. Simmons, just excuse me. Yeah, enjoy yourself. Carry on. Mrs. Simmons, where's your daughter? Looking gorgeous. Thank you. Would you like to go for a drive? ए खालिद भाई, मेरा नंबर है। अरे यार, तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गया, एक ही बात है। ना ना ना, दोस्त है तो घर पे आ, चाय नाश्ता करके जा, इधर दोस्ती बिस्ती नहीं। बाय। देखे शाने, तू कानून के आड़े आ रहा है, कानून के काम अटकाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले। ए खालिद भाई, अभी पीटा जाएगा क्या? चल। क्या तेरा नाम लिखा है क्या अंदर? हाँ लिखा है। नहीं लिखा तो लिख डालेंगे। तू पुलिस में ना, तो अपन भी हाई कोर्ट के जज का पर्सनल ड्राइवर है, पूरे खानदान का नाम लिख डालेगा। तो लिखना यार, आवाज अंदर जाके कर, इधर नहीं जा। बात करता। ए चल ना तू। खालिद भाई टेंशन है। अरे यार, तू आधे घंटे से अंदर, तो फिर भी टेंशन है। टेंशन दूसरा है। खालिद भाई, अंदर टॉयलेट में मेरी बीवी के नाम के आगे मेरे घर का टेलीफोन नंबर लिखा है। अच्छा। अरे तो मैं लिया, मेरी बीवी के नाम के आगे लिखता है 50 rupees ओनली। क्या बात करता है, सिर्फ 50 rupees? ये तो बहुत कम है यार। तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे 10 लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म। क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी। एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना। मेरे को मालूम है किसने लिखा है। अच्छा। कौन? पीटर। पीटर नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं यार, क्या नहीं नहीं, उसे आज भी लिखने वाला है। क्या तू नहीं मानता? चल मैं अभी डिब्बा का डिब्बा और पानी का पानी कर देता हूँ। ये पीटर लिखना मत यार। ए लिखेगा, 1000 बार लिखेगा, डरता है क्या? देखा देखा ये साला, उसको कितना मैंने बाहर समझाया यार, तावड़े की बीवी के बारे में ऐसा मत लिख यार, और 50 rupees तो मत लिख यार। तो बोलता है आज तो मैं 5 rupees लिखने वाला हूँ। इतनी महंगाई में 5 rupees कैसे परवड़ेगा? आज वो गया खालिद भाई, कसम से कह रहा हूँ, आज वो गया। आप बीच में मत आना, आपको मेरी बीवी की कसम, आप बीच में मत आना, आज वो गया। अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ, फिकर मत कर, लास्ट में ही आऊंगा। तू फोड़ डाले, फोड़ डाल यार। पीटर क्या लिखता है? कम भाव लिखता है। अरे ओ चंपक, अखबार लेकर आ, सारी खबरें खुद ही पढ़ेगा क्या? जाएगा अच्छी से चाय लेकर आ। जी सर। कड़क चाय। ओ आ गया विक्रम साहब, वेलफेयर फंड का इंस्टॉलमेंट। क्या वेलफेयर फंड? लो तो ईमान पर चोर, ना लो तो खबरी को पैसे कहां से देंगे? अपनी पगार से? लो मियां खालिद, हमेशा की तरह गिनकर सब में बांट दो। वो तो ठीक है, लेकिन वो बड़े साहब को कौन देगा भाई? तू? मैं? मरवाना है क्या साहब? बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, आप दे दो ना, अच्छा लगेगा। मुझे उसका थोपड़ा पसंद नहीं, तू देखे आना। अरे नको मेरे बाप, उसको मेरा चोकटा पसंद नहीं है। ए, एक काम करना, विक्रम साहब को बोलना ये सोते हुए शेर पे कंकड़ नहीं फेंकते, पंजा मारेगा गंजा कर देगा, और नंगा करके मारेगा वो अलग। अबे तू शायरी छोड़ना, वो ईरानी होटल में बैठा जाके देखे आ जा, डरने का नहीं जा। हल्का खून हवालदार का बना दिया ना, कुर्बानी का बकरा। चलो भाई, खुदा हाफिज।
सर नमस्ते। क्या ये लक्ष्मी? लक्ष्मी कागज की लक्ष्मी रिश्वत है? नहीं रिश्वत नहीं है सर, ये पब्लिक का वेलफेयर फंड है हमारे लिए हमेशा की तरह ही। तुम जानते हो खालिद, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। मैं उठाओ इसे, उठाओ। आप इस गरीब को क्यों डांट रहे सर? मैं भी इसे खबरी वेलफेयर फंड मानता हूँ, खबरी को मेंटेन करने के लिए। आप तो जानते ही है कि एक हवलदार की पगार क्या है, 5,328 रुपये। नहीं सर, उसमें भी 4 पैसे कम है ना, 47 रुपये 96 पैसे। इससे ज्यादा सैलरी तो म्यूनिसपालिटी के जमादार की है जो सड़क पे झाड़ू लगाता है। इसी पैसे में इन्हें अपना घर चलाना पड़ता है, मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, बाप की दवाई, सब इसी में। कैसे जिएंगे ये लोग? और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी फोर्स में कितने पुलिस वाले जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं। कमजोर हैं वो लोग। पुलिस की नौकरी पैसे के लिए नहीं की जाती, उसके साथ जुड़े मान सम्मान के लिए की जाती है, डिपार्टमेंट की आन के लिए की जाती है। इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस एंड ऑनर। पैसे कमाने का इतना ही शौक है ना, तो सड़कों पे जाके झाड़ू मारो तुम लोग। बेटा अरे यार, ये कमाल का आदमी है यार। एक तो कचरा करने देता नहीं है, ऊपर से बोलता है झाड़ू मारो। राजा हरिश्चंद्र चले गए, औलाद छोड़ गए, पालनी हमें पड़ेगी। ए बनवास का लाभ है। अरे भाई सॉरी यार, चलो समझते क्या लोग मुझे। एक आम पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को रिश्वत का हिस्सा ऐसे ऑफर करता जैसे कि ड्यूटी का हिस्सा ऑफर कर रहा हो। समझते क्या इन लोग? वर्दी, नौकरी, यहाँ तक कि हर इंसान बिक चुका है। Everything is for sale. मेरा मन करता है इन लोगों को पकड़ के ना मैं। अरे कभी तो अपना काम पीछे छोड़कर आया करो, कभी तो ऐसे लगे कि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी ड्यूटी नहीं खड़ी है। किसी और
सर ये एरिया यूसुफ भाई का है, यूसुफ पठान। एक जमाने में मिनरवा टॉकीज के बाद शोले पिक्चर का टिकट ब्लैक करता था, बाद में बहुत माल बनाया, भाईगिरी में आया और आज पठानवाड़ी का सबसे बड़ा भाई है। ये एरिया है रघू भाई का, रघू शेट्टी, शेट्टी कंपनी। क्वार्टर सिस्टम के बहुत सारे बार है यहाँ पे, दो बार टाड़ा में अंदर जा चुका है, 4 फुल मर्डर केस और 3 हाफ मर्डर केस लगे हुए हैं। और ये एरिया समीर भाई का है, समीर कश्मीरी। पहले क्रॉफर्ड मार्केट में घड़ियों का छोटा मोटा स्मगलिंग करता था, बाद में पाउडर में माल बनाया, ड्रग्स में, और 93 बॉम्ब ब्लास्ट में अंदर जा चुका है, अभी तक केस चालू है। एक्सीलेंट। ये जो बाकी का एरिया बचा हुआ है ये किस भाई का है? सर ये भाई का नहीं, ये बहन का एरिया है, बहन का, मीरा बहन जोशी। बहुत डेंजर औरत है सर, 2-4 बार तो पुलिस वाले को भी लाफा मार चुकी है। शट अप। अगर ये सब भाई बहन का एरिया तो हमारा एरिया कौन सा है? हमारा एरिया ये है सर, ये एरिया हमारा है जहाँ हम और आप इस वक्त खड़े हैं, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल सेफ और साउंड। तो आपने ये नौकरी सेफ एंड साउंड रहने के लिए की हुई है? इस तरह आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे क्राइम ब्रांच में? तो आज 4 भाई हैं, कल 8 भाई भी हो सकते हैं। 8 नहीं सर, 80 और फिर 800। इसी रफ्तार से हमारे हाथ बांध दिए गए और हम कुछ नहीं कर सके तो? इस सवाल का जवाब जानना है तो पूछिए अपने सुपीरियर से, पूछिए अपने कलीग से, झांक कर देखिए इस पुलिस डिपार्टमेंट में और समझने की कोशिश कीजिए इस सिस्टम को। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको सर। मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो रहा है, चलता हूं। जय हिंद। क्या घड़ी के हिसाब से ड्यूटी करता है ये? और जितनी भी करता सिर्फ चने खा के ड्यूटी करता है, ऐसे ही पैदा होता क्या ये? एक जमाने में ये हमारे क्राइम ब्रांच के हीरो थे सर। यस सर, 24 घंटे ड्यूटी करते थे। सेक्शन में किसी भी गली से इनकी फटफटी गुजरती थी, अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती थी। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब डर जाते थे, जी जान से ड्यूटी करते थे। लेकिन मिला क्या, बीवी भी छोड़ के चली गई। सिस्टम को बदलने चले थे, सिस्टम ने इनको ही बदल दिया। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। और ऊपर से वालिया, पठान और मानिकराव, इन तीनों ने मिलकर तो कानून की। चलता हूं सर। ओम, देखो वो अप्पा फिर एक एनकाउंटर पर जा रहा है। I'll just do it, sir. Right now. गिन लीजिए सर, 4 के 4 है, एक भी कम नहीं। हे खालिद, इंसानियत समझाना, इंसानियत से पेश आना, पूछ लेना रात को क्वार्टर के साथ क्या क्या चाहिए, इंडियन, चाइनीज या फिर वो। सर ये कट्टर की कीड़े है साले, 5-5 हजार रुपए के लिए आदमी को टपका डालते हैं। इनका खोपड़ी उड़ा देना कोई जुर्म नहीं, समाज सेवा है समाज सेवा। नायक, ये जो सर्विस रिवॉल्वर है जो तुमने अपने पतलून में डाल रखी है, खेल खेलने के लिए नहीं है कि जहां मर्जी आ गोलियां चलाते रहो तुम। सर ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, इन लोगों वालिया जैसे लोगों का पूरा सपोर्ट है, इन्हीं की मदद से वो अपना 2 नंबर का नेटवर्क चलाता। कल वो वकील भेजेगा, इनको छुड़ा कर ले जाएगा। ये बाहर जाएंगे और 4 सिविलियंस का मर्डर कर देंगे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा सर? अगर एनकाउंटर करने का इतना शौक है तो छोड़ दो ये नौकरी और ज्वाइन करो उन भाई लोगों को। जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए ना तुम्हें, जाओ चला वहां जाके गोली। मूव। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर, कहने के लिए क्या रह गया बाकी। गुड सर। अरे यार ये पुलिस ऑफिसर की हेल्थ मिनिस्टर है, नहीं मेरा मतलब है कि आपको बोलता है कि चने मत खाओ,
मुझे बोलता है पान मत खाओ, इसको बोलता है फोन ऑफ फ्रेंड मत करो, पापा को बोलता है भाई गिरी पे लग जाओ। यार लगता है दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा, सच्ची है। हाँ खालिद मियां, अगर यही आलम रहा तो कुछ दिनों के बाद सारे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही ऑफिसर रह जाएगा। हरिओम। तत्सत। पटनायक बोल बे पटनायक। हाँ। चला क्वार्टर मारते। चलो दोपहर से। कानून बचाने के लिए कानून तोड़ना कैसा भद्दा मजाक लगता है। इंसान के हाथ में अगर ताकत आ जाए तो सलाह जानवर बन जाता है। तुमने सिस्टम से लड़ने का ठेका ले रखा है, और भी तो लोग पुलिस की नौकरी करते हैं। हाँ किरण, बाकी लोग सिर्फ नौकरी ही करते हैं। हो गया। मुझे खबर मिली है कि पठान के चार शूटर्स माइम के डिम्बा मार्ट में छिपे हुए। लेट्स गो। चलो एडवांस पर गुंडे वार्ड का नाम। कुछ बोला तुमने? इन्होंने ये कहा कि पकड़ने की क्या जरूरत है, सीधा एनकाउंटर ही कर डालते हैं, बराबर? मैंने हिंदी में बात की है और ये भाषा तुम्हारी समझ में आती है। कम ऑन। अब चलिए खालिद मियां, साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, रेड करेंगे रेड। पकड़ो इस सबको, पकड़ो, कम ऑन एवरीबॉडी मूव मूव मूव, पकड़ो इसको, लगे ले इसको, सब लोग पकड़ो इसको। चलो देखो साहब, सबको पकड़ रहे, जाओ पकड़ो पकड़ो। चलो तुम लोग उधर जाओ, इधर आओ। हां ले गया, लगे जाओ, मार रहे साहब। ये अरे मैं हूँ, मैं साहब, ये सब गरीब मजदूर लोग हैं, इनमें से कोई नहीं है। सलाम पटनायक साहब, मैं यूसुफ पठान। नई बोसी मुबारक हो मालिक, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सुना है आपके बारे में, बहुत बहुत सुना है साहब। ये गरीब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है, ये सब लोग काम धंधे वाले लोग हैं और यहाँ कुछ इलीगल नहीं है। पता नहीं पेपर वाले क्योंकि इन लोगों ने हमारे नाम के आगे भाई का नाम कहाँ से जोड़ दिया। मैं तो आप लोगों की इज्जत करता हूँ, आप पूछो विक्रम साहब को, पूछो अप्पा को, पूछो अपने डिपार्टमेंट को, पूछो। और मैं तो हर अच्छे काम के लिए चंदा देता हूँ, गणपति भी देता हूँ, हर जुमेरात को रोज जाके गरीब लोगों को भाई अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, और हर तरह का चंदा, मतलब वो बोलते ना जिसको क्या नाम, सोशल सर्विस। और यही वजह है कि बड़े बड़े लोग हमारी इज्जत करते हैं साहब, हमारे टॉप के कनेक्शन है। कभी कभी आप भी तकलीफ में आ जाओ तो हमको बताओ, भाई हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। एक बात बोलूं क्या रे पठान, तेरी ताकत के पीछे हम लोगों की कमजोरी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये डंडा देखा तूने बे, सरकार ने हमको ये डंडा ना डांडिया खेलने के लिए नहीं दिया है। जिस दिन मैं अपने ताव में आऊंगा ना, नीचे से डालूंगा ऊपर से निकालूंगा, दोनों की दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी। और जो तू इतना इतराता है ना कि इन पॉलिटिशियन को जानता हूं, ये बिजनेसमैन को जानता हूं, उन्हें तो मैं नंगा करके मारूंगा इतना और घसीटूंगा अलग, बोलती अंदर के अंदर रह जाएगी। और हाँ, एक दिन पठानवाड़ी से तेरा जुलूस जरूर निकालूंगा मैं, याद रखना। कम ऑन लेट्स गो। बहुत ज्यादा बोल गया भाई। भाई सोडा बाटली की कीमत तब तक जब तक कि वो बंद, जैसे ही बुच्च खुला जाग बैठ जाता है, रह जाता है क्या, पानी। पानी केलकर को पैसा भिजवा, उसने टिप दिए। मेरा दिमाग डाउन हो गया, मेरे लिए बड़े का नल्ला मगा। हाँ भाई। कुछ भी कहिए विक्रम साहब, अपने नए साहब में दम है, लोहा है लोहा। हाँ लोहा है, लेकिन समुंदर की हवा लगने तो भैया, लोहे में जंग लगने में देर नहीं लगती। वैसे मेरी दुआ है कि इस लोहे को जंग ना लगे। प्रधान एक बार फिर सोच लो, मानिकराव जी नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम। बड़ी मीठी सी धमकी दिलवाई है वालिया साहब आपने, माणिक राव से कह दो कि कुछ भी नहीं होने वाला। और हाँ, आइंदा इस बारे में बात करके अपना और मेरा वक्त जाया ना करे तो बेहतर होगा।
नहीं मान रहे। मेरी इंफॉर्मेशन एकदम पक्की है माणिक राव जी, हाल ही में इस प्रधान ने यादव और गायकवाड़ को पूरे 120 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये तो शुरुआत है। और बात उसके पैसे की ताकत की नहीं है, उसके पीछे जो लॉबी है उसकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हीराचंद जी, वरना इलेक्शन के टाइम हम लोग तो सोचते रह जाएंगे कि उनके MLAs को खरीदेंगे, और पता चला वो हमारे MLAs पहले ही खरीद चुके हैं। अरे राजनीति में कोई ईमान थोड़ी ना होता है, इसलिए प्रधान का आपके साथ होना बहुत जरूरी है राव साहब। बिल्कुल। पता नहीं ये लोग सीधी बात क्यों नहीं समझते, हर वक्त घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। लगता है ये काम अब यूसुफ पठान से ही करवाना पड़ेगा। नहीं समझने वाली बात एक ही है पठान, मैं यादव और गायकवाड़ को सपोर्ट करता हूं। ये बात माणिक राव के समझ में क्यों नहीं आ रही, ये मेरी समझ के बाहर है। अरे प्रधान साहब, आज यादव और गायकवाड़ को आपकी जरूरत है, आपको उनकी नहीं। अभी धंधे की बात आप जो सरकार से कर सकते हो, ऑपोजिशन से कहां। मेरे को धंधे की बात एक टिकट ब्लैक करने वाले से नहीं सीखनी। ए साला क्या दिमाग का नहीं कर रहा है? भाई तेरे को इतनी देर से समझा रहा है, तेरे भेजे में ये बात नहीं घुसती क्या? देखना भाई क्या बात कर रहा है, ये तुम्हारे नुक्कड़ के पान की दुकान नहीं है, अजीत प्रधान का घर है ये। अगर बात करने की तमीज नहीं है तो कम से कम आवाज तो नीचे रखो। कोई बात नहीं प्रधान जी, वो नादान है। कोई नहीं, चलो भाई, बहुत नादान है। वैसे नादानी आप भी कर रहे हो, सोच लो, कई बार छोटी छोटी नादानी से नुकसान बड़ा हो जाता है। धमकी किसको देता है? हैं? अगले 6 महीनों में हमारी सरकार आने दो, फिर सबसे पहले तुम दोनों का एनकाउंटर करवाऊंगा, फिर तू और तेरा येड़ा भाई किसी गंदी नाली में पड़े कुत्तों की तरह नजर आओगे, समझे? नादान है, समझाया था इसको, अभय तो है। चल बाबा, चल बाबा, साला गाली देता है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मिस्टर प्रधान इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती थे। जी सर। अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे उनके, इसलिए ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ए जल्दी बना के देना, इसीलिए अपन बोलता है कबाब खाने का तो माइम में आके खाने का क्या। बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बनाता है। नहीं भाई को क्या हुआ, क्या हुआ भाई? अरे होना क्या, वो साला प्रधान भाईजान को उल्टा बोला, वो पता ब्लैकर बोल रहा था साला, औकात दिख रहा था अपने। अभी साला पता लगेगा इन बिजनेस मैन को, अब भी पता लगेगा इनको, येड़ा से पंगा। अभी जाने दो ना भाई। अरे कैसे जाने दो, जाने दो ना भाई। ब्लू बर्ड बार में एकदम गरम माल आयला है, एकदम रपचक। ऐसा क्या, एकदम गरम है? चल फिर हाथ से क्या दें। Yeah.
जुगनू की पायल बांधी है, ये इश्क नहीं ये आंधी है, जुगनू की पायल बांधी है, ये इश्क नहीं। मस्ती के पैमाने दो, शोला बदन के आशिक है जमाने दो, सीने में जो आग नहीं तो जाने दो, गर्मी है जो सांसों में तो आने दो, चल घुंघरू निकाल, कपड़े पहन और इंसान बन जा, चल। अरे ओम राव जान, अपने आप को रेखा समझ रही है क्या?
चल फुट यहां से। नाच देखने का बहुत शौक है तेरे को, मर्द बनने का बहुत शौक है, बहुत अपने आप को मर्द बोलता है ना, बनाओ तेरे को ना मर्द। Thank God, sir. Sir, sir, लगता है येड़ा भाग गया। कंट्रोल रूम में बोलो नाकाबंदी लगाओ जल्दी। Yes, sir. अप्पा, अप्पा, पुलिस को बोलो पंचनामा करे। जी सर। So, देखो बाथरूम में भी दो तीन बगुनिया ना तिकड़े हाँ, उधर भी। हाँ उसने डेनिम जैकेट और डेनिम शर्ट पहना हुआ है। लेफ्ट साइड पे जींस भी फटी हुई है उसकी। आज शक्ल पे थोड़ा खून लगा हुआ है और आटा। आज जैसे खबर मिले वायरलेस पे मुझे रिपोर्ट करो। ओके। हाँ सुनो। आप सब पर परमिशन दे दी गई है और सारी जगह पर नाकाबंदी लगा दी है। आगे के लिए क्या ऑर्डर है सर? ओवर। सर पहचाना आपने इन दोनों को? ये कुरेशी कुरेशी और ये कदम, याद है ना? आप इन्हें कहा था छोड़ दो, इनको छोड़ दो, तब मैंने छोड़ दिया था। सर को उसी दिन एयरपोर्ट पर ठोक दिया होता ना तो आज अपना खालिद ऐसा लेटा नहीं होता। इसके मौत के जिम्मेदार आप हैं, आप, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिखाते ना आप सबको कानून तो सिखाइए इन मुर्दों को कानून, अपना खालिद वापस आ जाएगा। क्या उठेगा अपना खालिद, खालिद आ जाएगा वापस। तो छोटे छोटे बच्चे इसके, हमारा डिपार्टमेंट संभालेगा ना, आपका कानून संभालेगा ना उन्हें? हाँ पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। हेलो डीसीपी पटनायक यार। हाँ सर। हाँ एक काम करो,
यहाँ एक एम्बुलेंस भेजो, हमारे एक आदमी की डेथ हो गई है। हाँ, ब्लू बर्ड बार में। ओके जल्दी भेजो। ओके और एक्सट्रीमली सॉरी, खालिद मुझ पे बहुत बड़ा कर्ज छोड़ के चला गया। तो हमेशा पक्की होती है ना सर, मेरा यकीन कीजिए। जब तुमने पठान की टिम्बर मार्ट पर रेड की थी तब वो इंफॉर्मेशन भी पक्की थी ना, और अब तुम पठानवाड़ी पर रेड करना चाहते हो? नो नो, मैं तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन उन लोगों ने हमारे आदमी की जान ले ली। डोंट बी सेंटिमेंटल, तुम्हारा ये एडवेंचर कौमी दंगे फैलाने का बहाना बन सकता है। सॉरी, परमिशन डिनाइड, इज दैट क्लियर? यस सर। लेकिन सर, उस दिन अगर आपकी बात मानी ना होती तो आज खालिद जिंदा होता। देखो ओम। सॉरी सर, आई फॉलो योर ऑर्डर सर। फिर क्या करें? कमिश्नर साहब को अगर ये बात पसंद नहीं है तो ये फाइलें बंद कर देते हैं। हमने पुलिस फोर्स कमिश्नर को खुश करने के लिए ज्वाइन नहीं किया। वे क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। अब जो होगा देखा जाएगा। प्रधान मर्डर केस की इंक्वायरी कहां तक पहुंची है बताओ मुझे। बाकी लोग तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन एक आदमी और भी है जो यहां हर तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सर, यह फिल्म एक्ट्रेस मालिका, पठान का छोटा भाई, येड़ा के साथ इसका पुराना चक्कर है। फिलहाल तो आउटडोर में है, लेकिन इससे मिलने की कोशिश वो जरूर करेगा, इसलिए इसके घर के नीचे वॉच रखना बहुत जरूरी है। पूछताछ के लिए अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है, मगर इनमें से कोई कुछ बकेगा नहीं। भले वक्त के साथ साथ इन लोगों की आदतें खराब हो गई हो, लेकिन कम से कम इन्हें एहसास तो होगा कि पुलिस फोर्स हरकत में आ गई है, और घबरा के कभी ना कभी कोई तो गलती करेंगे। लेट्स गो। हाँ हाँ जी अली पे, हाँ हाँ हो गई हो गई। हाँ उसको रोक के रख, आ रहे हैं यार। बस भाई निकल रहे, अभी निकल ही रहे हैं यार। ये गरीबों को खिला दे रहे भाई। जी भाई, जा बांट दे। येड़ा कहाँ है? पता नहीं, वो तो घर छोड़ के चला गया, अरसा हो गया। मेरा उसे कोई वास्ता नहीं। पान लगा भाई। पठान तेरे भाई ने बहुत पुलिस वालों को मारा है, वो तो समझ ले गया, लेकिन जिसने भी उसकी मदद करने की कोशिश की वो सबसे पहले जाएगा। अफसोस है, पुलिस वालों की मौत का हमको भी अफसोस है, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन अभी उसके लिए मेरी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इट्स ओके पठान, लेकिन एक जिम्मेदारी रह जाती है तुम्हारे अपने भाई के लिए। कफन का कपड़ा और दफन की जमीन की तैयारी कर लेना, क्योंकि जिस दिन वो मिला मुझे उस दिन वो अंदर नहीं जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। अभी किधर जाएगा आप देखो, पहले उसको ढूंढो तो सही। पकड़ में आया हुए तो हमको ही बताओ। तुझे उसकी मौत की खबर अखबारों से मिल जाएगी, लेकिन इतना जरूर याद रखना
कि हम तेरे पैरों के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि तेरे जूतों तक में छाले पड़ जाएंगे। अबे ओए, क्या घुर रहा है साले? तेरा भी नंबर है मेरे लिस्ट में, सबसे ऊपर। ठीक है भाई, ठीक है, चल भाई, सुना नहीं अभी, चल। देखिए, मैं प्रधान मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं जानती। वो मेरे दोस्त है, आप बेकार में अपना और मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें पहचानती हैं आप? जी नहीं। जरा गौर से देखिए ना, आपकी जान पहचान तो इस देश के बहुत बड़े बड़े लोगों से है, स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस। गौर से देखिए ना। इतने लोगों से मिलती हूँ तभी तो याद नहीं रहता। हाँ, कभी किसी किसी की मर्दानगी याद रह जाती है। पुलिस वालों से बात करने की शायद तमीज नहीं है तुम्हें। पुलिस वालों की तमीज और बदतमीजियां बहुत देख चुकी हूँ मैं। मेरे इस घर में काफी वर्दियां उतर चुकी हैं। देखो, जिनके बलबूते पे तुम उछल रही हो ना, वो इस शहर में और ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तुम्हारी तो दूर की बात है। रोशनी वर्मा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम एक भले घर की लड़की हो, इस वक्त तुम नशे में उड़ रही। जिस दिन तुम्हारा नशा टूटेगा, तुम धरती पे आ गिरोगी और जिंदगी की कड़वी सच्चाई तुम्हें नजर आने लगेगी। अब भी संभालो अपने आप को, वक्त है, वक्त से पहले संभल जाओ। इस तस्वीर को गौर से देखो, इस आदमी को पहचानते हो? कौन है आदमी? पता नहीं। पता नहीं? यानी आप इससे हंस के बातें कर रहे हैं? यह आदमी बीच में आपके साथ खड़ा है और आप कहते हैं पता नहीं? गौतम वालिया का सैकड़ों पार्टी में आना जाना होता है, हजारों लोगों से मैं हाथ मिलाता हूँ, किस किस को याद रखूं? लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है वालिया। तब तो ये भी भूल गए होगे कि आज से 18 साल पहले तुम्हें तुम्हारी 20 सहेलियों के साथ तुम्हारे मड आइलैंड वाले कॉटेज में मैंने ड्रग्स के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। तब तो आप ये भी नहीं भूले होंगे कि आप मुझे उस वक्त भी 10 मिनट से ज्यादा पुलिस स्टेशन में रख नहीं पाए थे। वक्त बहुत बलवान होता है वालिया, 18 साल में सब कुछ बदल चुका है। मैं तुमसे वादा करता हूं, हमारे क्राइम ब्रांच में, मेरे इंट्रोगेशन रूम में, तुम 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पुलिस का डंडा अपनी चैरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, समझे? चलो विक्रम। देख वामन, तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, प्रधान मर्डर केस के बारे में क्या जानता है? अब मेरे को नहीं मालूम है साहब, अभी प्रधान सेठ इतना बड़ा आदमी था, किससे उसका क्या लेना देना था साहब, अब उनको नहीं मालूम है साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रधान और वालिया की पार्टियां तेरे और तेरे लड़कियों के बिना अधूरी थी ना। अब वो तो रहेगी साहब, लेकिन साहब कमरे के अंदर तो लड़की जाता है ना, वामन थोड़ी जाता है साहब। अभी कमरे के भीतर क्या होता है मेरे को क्या मालूम साहब। और वैसे भी साहब, जब से मोबाइल आया मेरा काम बहुत ईजी हो गया साहब। साहब धंधे का टाइम हो गया, मंदिर भी जाना है, शनिवार है, गरीब के पेट पे लात मत मारो साहब, जाने दो मेरे को प्लीज। लगता है ऐसे नहीं मानेगा साहब, मैं नायक को बुलाना पड़ेगा। नायक, नायक भाई साहब, क्या है, कौन है नायक? नायक वही अप्पा कदम नायक। अच्छा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अब तक 56 मार चुका है। नायक नहीं, पूरा खलनायक है, संभाल के, ऑल द बेस्ट। जी जी। सारे गंदे काम मेरे को ही देंगे, कहाँ पेशेंट, कहाँ? ये है क्या? नमस्ते साहब। ये तो पहले से मरेला, इसको क्या मारने का?
चल ठीक है, ए नाम दे गिली तो ले ला, ला रिवॉल्वर ला 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 रिवॉल्वर दे, चल जल्दी जल्दी जल्दी, दूसरा भी काम है यार। अबे तेरा सर्विस वाला नहीं, वो वाला दे, कितने एनकाउंटर्स किया मेरे साथ तू, दूसरा वाला दे, फसाना है क्या अपने को? नहीं सर, नंबर ये है ना जी। साहब जी, मैं भगवान का आदमी है, मुझको मंदिर जाना है, मुझको जाने दे। अरे बेटे, मंदिर के रास्ते पे रास्ता खुदा है ना, तो ट्रैफिक बहुत है, मैं इधर ही तेरे को भगवान के पास, मेरे को भगवान के पास नहीं जाना साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी, सब मैं सब बता देगा सब, बस गोली मत चला। लेकिन अभी तो तू बोल रहा था भगवान के पास। अच्छा देख साहब आ गए, सब साहब को बता देना, गुड बॉय, बता देना, चल बोल, बोल जल्दी। सब होम मिनिस्टर माणिकराव और प्रधान सेठ के बीच में कुछ टेंशन था साहब, बिजनेस का, सब बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन और बड़ा बड़ा धंधे वालों के बीच में, मुझको मत घसीटो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी साहब, मेरे को जाने दो साहब। ए तू जा रहे, इसको लेके जा रहे, इसको कुछ नहीं मालूम है, चल नायक साहब के पास मत ले जाना भाई। अंधेरे में तीर चलाया था, लगा निशाने पे, मगर एक बात तो साफ है कि प्रधान मर्डर केस की जड़ें कहीं ना कहीं तो वालिया और माणिकराव तक जाती है, और अगर ये बात सच है तो सवेरे तक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहां तो होम मिनिस्टर को छींक आने पे भी कई अफसरों के तबादले हो जाते हैं। अगर हम होम मिनिस्टर को छींकने का मौका दे तब ना, एक कोशिश करके देखते हैं। सलाम सर, सलाम सर। वन मिनट सर, क्या बता सकते हैं प्रधान मर्डर केस की क्या प्रोग्रेस है? इस केस को हम सॉल्व कर देंगे, फिलहाल तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि इस केस के अंदर कई पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। क्या आप उन लोगों के नाम बता सकते हैं प्लीज? उन लोग, शायद आप लोगों को हमारी शक्ल पसंद नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, इसीलिए आप लोग मेरे और मेरे इन्वेस्टिगेशन टीम के ट्रांसफर कराना चाहते हैं। प्लीज पे द पुलिस। तेरे दारू के सप्लायर का क्या हुआ? सब हो गया, तू इतना परेशान क्यों है? तू जानता है ना उसे? नहीं नहीं, मैं आज तक मिला नहीं उससे, लेकिन मैंने मंत्री जी की डायरी से नंबर निकाल के उसको फोन किया है, तू चिंता क्यों कर रहा है? देख, मंत्री जी का दिमाग बहुत गर्म है, सारी सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सारी सेटिंग प्रॉपर ही होगी, तू बाथरूम जा, टेंशन कम हो जाएगा, कोई पूछे मेरा नाम ले देना, जा चिंता मत कर। खाली की बात कर रहा है यार, मंत्री जी के यहाँ से फोन करो, दारू का सप्लायर ना आया, इतनी हिम्मत? Yes. How are you? Fine. साहब कहाँ? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार, तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार, हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? अच्छा अच्छा, ऐसे आ रहे हो, देखो हम पार्टी में बड़े लोगों का मूड बनाते हैं। अरे तुम वो हो सप्लायर? अरे इधर आओ ना यार, तुम्हारा तो इंतजार कर रहा हूँ, वालिया साहब की डिनर पार्टी है, लंच अभी शुरू हो जाएगा, माल कहाँ है? अरे माल सब तैयार है, गिनती बोलो आप। देखो सब इम्पोर्टेड चाहिए है, एकदम प्योर, क्वालिटी की चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्वांटिटी बोलो। लगभग चार तो मंत्री जी को चाहिए होंगे। चार? हाँ चार, वो भी एक साथ। एक साथ चार? बहुत शौकीन है भाई, अभी आएंगे तो एक मांगेंगे, और खाने से पहले दूसरी, और खाने के बाद तीसरी, और एक घर पे लेके जाएंगे। घर में? अरे रात तो काटनी पड़ती है ना बाबा, आल लाइट फुल टाइट। हाँ लेकिन उनकी बीवी जो, बड़े लोग हैं, जो भी करते हैं सीक्रेटली, खुल्लम खुल्ला, हमारे जैसे थोड़ी छिपे छिपे, कभी कभी तो उनकी बीवी भी ज्वाइन करती हैं। क्या बात, बहुत बड़ी महिला है वो, उसने मंत्री जी से साफ बोल दिया जो भी करो मेरे सामने करो, कभी कभी तो वो खुद ले आती हैं। हाँ, धंधे में कंपटीशन बढ़ गया। अरे घर में एक आध स्टॉक रखना पड़ता है ना भाई, रात के पौने तीन बजे खांसी से नींद खुल गई, अब क्या करें, लेनी पड़ेगी ना सर। ये कार्ड रखिए मेरा, ये सेटिंग मेरी करा दो, एक से एक आइटम लाके दूंगा, एकदम पेटी पैक करवा दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। 100% आपको भी इंपोर्टेड लगेगी क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, अपने को इंपोर्टेड नहीं, बराबर चढ़ती नहीं, अपने को देसी 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 भी है। हाँ एकदम काउंटन, मुंह से लगाते जहां बोलोगे चढ़ जाए। अच्छा आपके लिए एकदम फ्री। ए पक्का? हाँ मैं कल फोन करूं। अच्छा ठीक, आज हम बात नहीं कर रहे। मैं हुई क्या आदमी मिला यार, अलादीन का चिराग, कल छक्के पीऊंगा आपके।
ये शौक भी है तेरे को? अरे शौक तो बहुत है त्रिपाठी, लेकिन अपने को परवरता ही नहीं है। क्या सेटिंग हुई? अरे वो सब छोड़, दारू के सप्लायर का क्या हुआ? तो ये क्या तुम्हारा पिताजी जा रहा था? यही तो है वो। ये किसी और चीज का सप्लायर है। किसका? लड़की का। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अभी क्या करूं चश्मुद्दीन, कमिश्नर साहब भी आ गए। तुम्हारे डिपार्टमेंट में आज की तारीख में कोई भी ऑफिसर मीडिया के सामने खड़ा होके हीरो बन जाता है, है? अरे तुम कमिश्नर हो कि बीएसटी बस के कंडक्टर? लेकिन सर आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? क्या बात है मानिकराव जी, क्यों गर्म हो रहे हो? कमिश्नर साहब हमारे आदमी हैं। अरे क्या बताऊं तुम्हें वालिया, तुम्हें पता है माहौल किस तरह का है? ये मीडिया वाले हाई कमांड वालों ने नाक में दम कर रखा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कमिश्नर साहब आप मेरे साथ आइए, आइए। आपके और आपके अफसरों के लिए मेरे पास कुछ बिजनेस प्लान्स है, रिटायरमेंट फंड। हाँ हाँ आता हूँ मैं, तेरे को वापस फोन करता हूँ। भाई ओ भाई वो मल्लिका का फोन था, वो एक रात के लिए वापस आए, रात को न्यूयॉर्क जा रही है शोज के लिए, जरा मिल के आओ क्या? क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ? अरे अरे बाहर पुलिस का पैरा, कार को एक से लेता है, जाने दे। अरे क्या पुलिस पुलिस लगा रखा भाई, दिन का टाइम है, मैं यूं जाऊंगा यूं आऊंगा, अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगा बस। अरे जाने दो ना भाई, तू मेरी समझ नहीं रहा है, रिक्स का मामला है, पुलिस है बाहर, मैंने कभी मना किया इसके पहले आज तक? मना किया? अरे मना तो नहीं किया। अरे 14 साल का था तब मैंने ही दूल्हा बनवाया था तुझे, उम्र में बड़ी थी लड़की, शर्मा रहा था भाई। और आज मेरे को ही बोल रहा है जाऊं, बाहर पुलिस है, उसके लिए तू बाहर जाएगा। ओके आना भाई, अभी मैं 14 का नहीं 28 साल का हो गया हूँ। देखो मैं यूं गया और यूं आया, 1 घंटे में आ जाऊंगा बस। जा जा, लेकिन 4-5 लोगों को साथ में लेके जा, और संभल के जा बेटा, और वो टाइटेनिक कार लेके जा जिसमें दिखता नहीं है ना, वो लेके जा। टाइटेनिक गाड़ी ले जाओ ना। हाँ। जिसमें दिखता नहीं है। हाँ। भाई टाइटेनिक नहीं टिंटेड होता है, आप हो बहुत प्यारे, वैसे मेरे को ज्यादा पता है क्या होता है। हाँ जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा, खुदा हाफिज। दिस इज विक्रम सिंह रिपोर्टिंग फ्रॉम ब्लू डायमंड बिल्डिंग, लोकनवाला कॉम्प्लेक्स। अभी अभी हेड़ा बाबा मल्लिका से मिलने इसी बिल्डिंग में आया है, मेरा ख्याल है कि 20th फ्लोर पे। येड़ा लोखनवाला में मल्लिका के फ्लैट में छिपा हुआ है। केलकर तुम फोर्स तैयार करो, कम ऑन लेट्स गो। हेलो हेलो भाई, भाई येड़ा को पकड़ने के लिए फोर्स निकल चुकी है। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी, अरे चल ना लौकर दिखे साहब, गेले लौकर, चल चल चल, गाड़ी निकल गाड़ी निकल। तुम वहां जाओ, yes, तुम ऊपर जाओ। हे hey, कौन है उधर? फूल वाला है। चल शाम तक, तेरे बाप लोग आए, समझा? तेरे बाप लोग। किधर है येड़ा? नहीं मालूम। किधर है येड़ा? घोड़ा कहाँ है मेरा, घोड़ा कहाँ? Thank you.
भाई पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर के रखा है। अबे बाबा अंदर है, बाबा अंदर फंसा हुआ है, बोलता जाने का रास्ता नहीं है। गाड़ी पीछे ले, खोल पीछे ले। अरे बाबा अंदर है, चलिए गाड़ी पीछे मत ले। साले की तो मैं देखता हूँ। ले चलो इसे। ए पटनायक, क्या करेगा? पुलिस स्टेशन लेके जाएगा? बे साढ़े दस मिनट में बेल हो जाएगी मेरी, दस मिनट में। साला काती क्या तुम लोगों की, पांच पांच सौ रुपए में तो बिकते हो तुम लोग। क्या करेगा, मारेगा? भूल गया, खालिद अंसारी कुत्ते की मौत मारा था साले को, कुत्ते की मौत। सुन रहा है ना? रेड़ा कहाँ सर? ऊपर। ऊपर। गुड। मुंबई पुलिस। ये पुलिस के अत्याचार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, एक मिनट जरा इधर आएंगे आप, आइए ना एक मिनट के लिए। जब कभी ऐसा कोई इनकाउंटर होता है तो आप अपनी ह्यूमन राइट्स की दुकान लेकर चले आते हैं यहाँ पे, लेकिन उसी सो कॉल इनकाउंटर में जब कोई पुलिस वाला मारा जाता है या जब कोई पुलिस वाला घायल होता है तो आप उसकी कॉलोनी में नहीं जाते, क्योंकि वहां ये आपका ताम झाम नहीं होता, मीडिया नहीं होती, वीडियो नहीं होता, अखबार वाले नहीं होते। आप लोग अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर भाई लोगों की तस्वीरें अखबारों के फ्रंट पेज पर छपवाकर उन्हें हीरो बनाते हैं। हम पुलिस वालों को कौन पूछता है? तुम लोग जानवरों के उद्धार के लिए संस्था बनाते हो, लेकिन ड्यूटी पे शहीद हुए पुलिस वालों की बेवाओं के लिए, उनके यतीम बच्चों के लिए कोई संस्था नहीं बनाते। वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे में शरीक होते हो, पुलिस डे में कभी शरीक नहीं होते, क्योंकि पुलिस की पार्टी में तुम्हें शराब शबाब और कबाब नहीं मिलेगी, और वो भी मुफ्त की। ए चंपक, चुपचाप चला जा यहां से, वरना तेरे राइट के साथ साथ लेफ्ट थोबड़ा भी चौपट कर दूंगा। हप! खबर करो पठान भाई, जो होना था। सही बात है पठान भाई, होने को कौन टाल सकता है।
क्यों रे पठान, तू तो कहता था कि येड़ा से तेरा कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ क्या करने आया? कफन का कपड़ा दफन की जमीन साथ में लाएगी नहीं तू? बहुत ज्यादा बोल रहा है पठान भाई, लगता है इन खाकी वर्दी वालों का कुछ करना पड़ेगा। चुप चुप, मुर्दा घर है, आवाज नहीं करने का समझा? मालूम पड़ा एक को लेने आया, चार को साला छोड़ के जा रहा। चुप। अक्सर आदमी जोश में होश खो बैठता है, ये बात एड़ा भूल गया, तुम लोग याद रखना, मेरे भाई की मौत का मातम पठानवाड़ी से पुलिस कॉलोनी तक जरूर पहुंचेगा, ये वादा करता हूं। पठान, अपने भाई की मैयत का इंतजाम तो तूने कर लिया, अब तेरी मैयत का इंतजाम कौन करेगा? खुदा हाफिज। चलो भाई चलो। निकलो पड़ो, नहीं तो मुगल। बेटा ये लो, पी लो बेटा। देखिए ना, ये दूध नहीं पी रहा। क्या हुआ? राहुल, पैर पर। लंकी ना पर्स वोंडो। बहुत जिद्दी। मामा, मामा। लंकी। है क्या कोई? चले बच्चे में गोली मारता है, औरत को गोली मारता है। मेरे बच्चे को मारने आया था ना तू? मेरे बच्चे को मारने आया था ना तू? गीता में लिखा है कि कोई अगर आप पर या आपके परिवार पर जानलेवा हमला करे तो उसको मारना हत्या नहीं वध कहलाता है। इस तरह मायूस बैठने से क्या होगा? ये कर्म करने का समय है, घर में घुसकर मारो। और ये मत देखना कि बाहर नेम प्लेट पर किसका नाम है। मैं तुम्हारे साथ हूं, गो एंड गेट द सब कुछ सर्कस बना के रखा है। ये पुलिस डिपार्टमेंट तेरे बाप की जागीर है क्या?
इतनी जल्दी भूल गया? ये कुर्सी तुझे किसने दिलाई थी, कैसे दिलाई थी? औकात थी क्या तेरी कमिश्नर बनने की? बोल, ये माणिक राव नहीं होता ना तो धुलिया के किसी एरिया में इंचार्ज बनकर सड़ रहा होता अब तक तू, समझा? साला आज मेरे आदमियों पे हाथ डाल रहा है तू, मेरे आदमियों पे। तेरी कुर्सी को ऐसी लात मारूंगा ना, जहां जाकर गिरेगा ना बैठने की जगह तक नहीं मिलेगी तुझे। कुर्सी तो बहुत दूर की बात है, समझा? ये खुराना, ये जो तेरा तमाशा है ना, फटाफट बंद कर दे, बंद कर दे तेरा नाटक, नहीं तो नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर करवा दूंगा तेरी। सड़ते रहना जिंदगी भर वहां। अरे चुप, ट्रांसफर अब यही धमकी दे सकता है ना तू? मेरी औकात की बात करता है, भूल गया? दादर की सब्जी मंडी से हफ्ता उठाता था तू। 25 साल पहले हायर सेकेंडरी की जाली मार्कशीट बेचते हुए मैंने ही अरेस्ट किया था ना तुझे। मुझे आंखें दिखा रहा है, मुझे? ए खुराना, ए! अब मैं तेरे दबाव में आने वाला नहीं हूं मानिक राव। मेरी कुर्सी तो सिर्फ बदल सकती है, तेरी तो कभी भी छिन सकती है। मुझे ट्रांसफर की धमकी मत देना, मैं और मेरी सारी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस्तीफा दे देंगे। फिर पहले प्रेस को समझाना, फिर जनता को कि पूरे डिपार्टमेंट ने एक साथ क्यों रिजाइन किया। भूल गया, 6 महीने बाद इलेक्शन है, फिर धुलिया कौन जाता है ये भी देख लेंगे। मुझे ट्रांसफर की धमकी देता है। और सुन, वो पठान जिसे तू अपनी गोद में बिठा कर रखता है ना, अब तक उसकी पठानवाड़ी पर अरेस्ट वारंट लेकर पहुंच चुकी होगी फोर्स। बोल रहा हूँ ना, भाव बड़ा। बस बेटा, बस बस। पुलिस आई है? हाँ भाई, पुलिस आई है। तो अबे तू का फबल रहा है क्या? के बाजू वाले भाभी को बोल इसके लिए दूध बना के ला, जल्दी जा। जी भाई। Get that. Get that. अबे ओ पठान, चल। पठान, क्या कह रहा हूँ मैं? वाह बेटा बस। चल साला पठान, क्या बोला? इंस्पेक्टर विक्रम साहब। साला कर रहा है। चल, आज जूते खाते जाएगा साला। चल, आजा। चल, 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 चल। अरे, अबे बहुत भुदक रही है। क्यों रे पठान? पठानवाड़ी का भाई बनता है ना तू? अरे, तेरे को बोला था ना मैं यहाँ से घसीट तो लेके जाऊंगा तेरे को। यार, भाई गिरी करने का बहुत शौक है ना। चल। अरे चल 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 चल, तेरी भाई गिरी निकालता। चल आराम से। चल चल। अरे बच्चे के लिए दूध मंगवाया था, उसको पिला देना, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ आएगा, 14 साल बाद आएगा, बच्चा पहचानेगा तेरे को तब ना। चल। यूसुफ पठान की गिरफ्तारी के बाद तो मानो जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर ही टूट गई। मुंबई पुलिस ने शहर के तमाम गैर कानूनी धंधों पर रोक लगा दी, अंडरवर्ल्ड के सभी छोटे से लेकर बड़े मुजरिमों को गिरफ्तार किया। माणिक राव और गौतम वालिया का अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता होने के कई सबूत उनके हाथ लगे। पुलिस अपना शिकंजा उन पर कसती जा रही थी, गौतम वालिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। पहले ही कहा था कि प्रधान के मामले में पठान को मत खींचो। 20-20 घंटे मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने बढ़ा के रखा, उसके वजह से फेरा एनफोर्समेंट वाले सब मेरे पीछे पड़े हुए। ऊपर से पठान भी पकड़ा गया, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो हम सब मारे जाएंगे। और वो 2 नंबर के धंधे का क्या, जो संभालता था? और एक आप है जो हमेशा सरकार से इस्तीफा इस्तीफा की बात करते रहते हो। अरे वालिया बैठो आराम से, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे बेचारे पुलिस वाले छोटी मोटी लड़ाइयां लड़कर खुश हो रहे हैं, जनता को भी लगना चाहिए ना, कोई तो है देश सेवा कर रहा है इस देश में। अब सवाल है पठान के बकने का, कुछ नहीं बोलेगा, अगर बकेगा तो देख लेंगे। अब रही बात अपने 2 नंबर के धंधे की, तो आपटे
जी सर। वालिया, आरगुआ, भूल जा वालिया, पुरानी बातें भूल जा। पठान के अंदर जाते ही इसे बाहर निकलवाने का इंतजाम मैंने कर लिया। बेचारा अपोजिशन वालों के लिए काम करते करते थक चुका था, फायदा भी नहीं था। नहीं, अब ये हमारे लिए काम करेगा। पठान के सारे धंधे अब ये संभाले, है ना रघु? चल चल। बैठो बैठो। पठान, अब तुम्हारी औकात दो कौड़ी की भी नहीं रही। तुम्हारे अपने दोस्तों ने तुम्हें धोखा दिया। वैसे रघु शेट्टी जेल से रिहा हो चुका है और अपने डोंगरी चाल में आराम कर रहा है, और मानिक राव, जिसके बलबूते पर तू इतना उछलता है, उसी ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी जगह पर बिठाया हुआ है। मुझे मालूम है तुम्हें विश्वास नहीं होगा। लो, ये आज का अखबार है। यूं समझ ले कि चीरा बाजार से लेकर दादर तक का तेरा सारा धंधा रघु शेट्टी की गोद में चला गया है। मानिक राव, तूने अपनी औकात दिखाई। अब तुम्हारे पास अप्रूवर बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। उससे मेरा क्या फायदा? कम से कम सजा होगी, ये मेरा वादा है। एक शर्त है। बोलो। मेरा केस खत्म होने के बाद मेरे पासपोर्ट के साथ सही सलामत मेरे को नेपाल पहुंचा दिया जाए। अबे ओ चंपक, तेरे लिए हमने ट्रेवल एजेंसी का धंधा खोल रखा है क्या? है? पुलिस वालों को अपने मां का यार समझ कर रखा है क्या? अबे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओम सर। क्या कहते हो? मान जाते हैं सर। इट्स अ डेंजरस प्रॉमिस टू मेक। हम इसे नेपाल कैसे भेज सकते हैं? सर, मैं वादा करने को कह रहा हूं, निभाने के लिए नहीं। ये तुम कह रहे हो? जी, कभी कभी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नो एंट्री में घुसना पड़ता सर। ठीक है पठान, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हाँ पठान, हम इसे ढूंढ रहे हैं। इसके बारे में क्या जानते हो? क्या नाम है इसका? बोलो। हीराचंद मेहता, यानी कोई स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन असल में बहुत बड़ा हवाला ट्रेडर है। मानिक राव, वालिया, प्रधान, इन सब के दो नंबर के माल का हेर फेर यही करता है। इसको पकड़ लो, सबकी कुंडली मिल जाएगी। वैसे ये मिलेगा कहाँ? सूरत। सूरत? हीराबाग सोसाइटी। ठीक है, आप लोग सूरत जाने की तैयारी करो। सर। ठीक है ना हीराचंद? चिंता मत करो अग्रवाल सेठ, 15 साल से हूँ हवाला के धंधे में, तुम्हारा काम हो जाएगा, पैसे पहुँच जाएंगे। हाँ एक मिनट। हाँ वालिया सेठ, हीराचंद बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं रघु शेट्टी के बार में बैठा हूँ अग्रवाल सेठ के साथ, आ जाऊँ क्या मिलने? हीराचंद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मोबाइल पे फोन मत किया करो। अजीब है ये वालिया भी। सभी लोग आ गए हैं, आप पार्टी के लिए आ रहे हैं ना? मुझे भी दो ना। अच्छा एक मिनट, राहुल से बात कीजिए। हाँ क्या? एक मिनट, वालिया सबका फोन टेप किया रिकॉर्ड रूम में, यानी इतने फोन मार पो। ओके, यानी फोन मार पो। हाँ वालिया सेठ, हीराचंद बोल रहा हूँ।
अच्छा मैं रघु शेट्टी के बार में बैठा हूँ अग्रवाल सेठ के साथ, आ जाऊँ क्या मिलने? मेरा चंद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मोबाइल पे फोन मत किया करो। चलो
चल मैं, चल बच्चों निकल। किल कांड साले लेते। चल। अप्पा, अप्पा। अब मैं ठीक हूँ यार। अप्पा, किल के ले जा उसका। अप्पा, बहुत दर्द हो रहा है ना? अब मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूँगा। ठोक डाल साले को। रुक, 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 ठोक डाल साले को। चल बे। अबे इजरे, मर्द को मार रहा है तू, मर्द को। अप्पा को मार रहा है ना? तो इधर मार, इधर तब मरेगा अप्पा। मार रहा, तेरे साला लट्ठो कुन तक तो मार रहा। आपके पति बहुत बहादुर अफसर थे, उनके बलिदान को पुलिस फोर्स हमेशा याद रखेगी। पूरा पुलिस परिवार आपके साथ है, किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक कहिएगा। जरूरतों की चिंता नहीं है मुझे, बल्कि अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे घर का एक सिपाही कम हो गया है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे बेटे को भी अप्पा जैसा बहादुर अफसर बनाए। कहाँ जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये क्या बेवकूफ है? पागल मत बनो, होश में आओ। देखो, वो लोग चाहते ही है कि हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए। मीडिया वाले हमारे पीछे पड़े हुए, ह्यूमन राइट्स वाले हमारे ऑलरेडी पीछे पड़े हुए। देखो देखो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए बड़े भाई की हैसियत से बात कर रहा हूं। जिंदगी भर जिन उसूलों पर चलने के लिए तुम जोर देते रहे, आज उन्हीं उसूलों को खुद तोड़ना चाहते हो। और ये भी तो सोचो, इस केस को सॉल्व होने में देरी कितनी है। वी हैव ऑलमोस्ट डन इट। अरे यार, ये मंत्री साहब कब के बैठे हैं? बालिया साहब पता नहीं कब आएंगे। तू इतना टेंशन क्यों है? कल को मेरी साली की सालगिरह है। क्या मतलब? मेरी शादी की सालगिरह है तो समझ में नहीं आ रहा बीबी को क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए। तू एक काम कर, तलाक दे दे, बहुत खुश हो जाएगी। हैं? लगता है तू बहुत दुखी है अपनी बीवी से। नहीं रे, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मेरा हर हुक्म मानती है। रात को 3 बजे बोलूं चल गर्म पानी ला, लाके देती है मुझे। नहाने के लिए बर्तन धोना पड़ता है ना मुझे। ए, कहना मत किसी से, तेरी बीवी को इंग्लिश आती है? नहीं यार,
मेरी बीवी तो गांव की है। अच्छा गांव की है, मुझे लगा तेरी बीवी है। हट, तेरे से तो बात करना ही बेकार है। लो बालिया साहब आ गए। आइए सर, आइए आइए। वो तो अच्छा हुआ केलकर ने हमें बता दिया, अगर हीराचंद उनके हाथ में आ जाते तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते। थैंक यू। मुसीबत तो ठीक है, पर वो क्या कहूँ, आपकी गर्लफ्रेंड रोशनी जी पुलिस वालों पर आजकल कुछ ज्यादा ही रोशनी डाल रही हैं। आज शमशान घाट पर भी दिखाई दी। कौन किसको क्या बता रहा है क्या पता, पर राव साहब अगर इस बात पर गौर नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारी सरकार गिरने की भी नौबत आ सकती है। ये ब्लारी बाजारू औरत सो गई पुलिस वालों के साथ। भूल गई दिल्ली से आई थी हीरोइन बनने। बरसों प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो के चक्कर मारने के बाद भी तेरा कुछ नहीं हुआ। मैंने तरस खाकर तुझे बना दी। मैंने आज जो तुम्हारी सोसाइटी में घूमती हो मेरी वजह से, बड़े लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं मेरी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। वरना किसी जू के घटिया लॉज में हजार रुपए में सड़क के कुत्ते तुम्हारे जिस्म को नोच रहे होते। जिस्म तो अब भी मेरा कुत्ते ही नोचते हैं, फर्क सिर्फ नस्ल का है। Only the bloody breed has changed। रोशनी चलाओ मत, मैं तुम्हारी रखेल हूँ, बीवी नहीं। और अगर मैं अपने पर उतर आई ना तो तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिसे तुमने बाजारू कहा है उसी का इस्तेमाल करके कई काम निकलवाए हैं तुमने। और तुम हो कौन, एजेंट, मिडलमैन, ब्रोकर? अरे मेरी नजरों में तो यह जस्ट अ ब्लडी ग्लोरिफाइड पिंप। वाह वालिया साहब वाह, आपके अमीरी के चर्चे तो बहुत सुने थे, आज बहादुरी का नमूना भी देख लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ नहीं किया वालिया साहब, लेकिन अब शराफत से चले जाओ यहां से, वरना अगर कहीं कुछ करना पड़ गया तो जिंदगी भर के लिए पछताओगे। पता नहीं तुम जैसे छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर अपनी औकात क्यों नहीं समझते, किस बात का गुरूर है? अरे गुरूर अगर तुम जैसे नामर्दों को हो सकता है तो फिर हम जैसे पुलिस वालों को क्यों नहीं? देख वालिया, औरत पे हाथ उठाना ना मर्द की पहली निशानी है। विक्रम सिंह, बकवास बंद, चुपचाप यहां से चला जा वालिया, वरना ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में घर अपनी मर्सिडीज में जाने की बजाय तुम्हें म्युनिसिपैलिटी की एम्बुलेंस में जाना पड़े। बाय स्वीट हार्ट। अंग्रेज की औलाद। तुमने ठीक ही कहा था विक्रम, नशा उतर गया, जिंदगी की असली तस्वीर भी दिखाई दे गई। जिस आदमी को तुम लोग ढूंढ रहे हो उसका नाम है हीरा चंद, हवाला ट्रेडर। इस वक्त वो तुम्हें फ्लाइंग क्लब में मिलेगा। वालिया उसे अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बाहर भेज रहा है। हेलो, रामदेव सुनो। हाँ सर। हेलो। हाँ वालिया सेठ, टिकट नहीं, हम लोग एयरक्राफ्ट में। क्राइम ब्रांच।
पुलिस वाले को अंदर रखा था। हाँ शान है engine on. We have to follow him. Take it up. लेफ्ट विंग के पास रखो। दबाओ उसको, दबाओ। चलो भागो यार। छोड़ बोला कान छोड़। चल बाहर लेके चल, चल। नो आ!
फंस गया मैं। केलकर, अच्छा हुआ तुम आ गए, बचाओ मुझे वरना वरना ही पुलिस वाले मुझे मार डालेंगे। ए हीराचंद, अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो सला खालिद और अप्पा के खून में मैं भी पकड़ा जाऊंगा, समझा? केल कर क्यों तकलीफ कर रहा है, तेरा रोल अब खत्म हुआ। केलकर देखो ये पुलिस, देखिए सर मैंने कुछ नहीं किया, ये कमीने। ऐसे गद्दार के साथ क्या सलूक किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए ताकि भाड़े के वकीलों के बलबूते पे इसे बेल मिल जाए और फिर से इसे अप्पा और खाली जैसे ईमानदार और कर्तव्य परायण ऑफिसर्स को मारने का मौका मिले। नहीं, ऐसे नीच और कमीने को सस्पेंड नहीं बल्कि सीधा डिसमिस कर देना चाहिए। डिसमिस। मुंबई पुलिस ने मानिक राव और गौतम वालिया के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की, पर पूरा का पूरा सिस्टम बिका हुआ था। पुलिस के पेश किए हुए सबूतों को अदालत ने नामंजूर कर दिया और सारे गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। मजाक तो ये था कि पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और उल्टा उनसे सवाल किए गए। केस पुलिस के हाथ से निकलता दिख रहा था। इस केस का फैसला लंच के बाद सुनाया जाएगा। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोगों को जो कुछ भी कहना था अदालत में कह चुके, बस अब मेरे फैसले का इंतजार कीजिए। ओके, प्लीज जाइए। छोड़िए ना जज साहब, ज्यादा वक्त तो हमारे पास भी नहीं है। क्यों? अपना फैसला सुनाने से पहले अपने पुराने दोस्त से तो मिल लीजिए। मोहिते, आपका दोस्त यूसुफ पठान। अरे जज साहब, आप? मैं बेकार में घबरा रहा था, मुझे लगा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, मैं टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया मेरा। बैठ जाऊं? आप कोई फिक्र की बात नहीं है, ये तो दोस्त हमारे पुराने हैं, मैं तो ही डर रहा था। ये इनके जजमेंट पर, इनकी सोच समझ पर अपन को पूरा भरोसा है और वादे के एकदम पक्के हैं। क्या साहब, वो मल्होत्रा वाला केस, हाँ, जिसके फेवर में आपने फैसला दिया था, आठ खोखा उसने नहीं दिया तो आपने तो हमारे हाथों उसकी कब्र ही गुदवा दी। हाँ, फिर उसके भाई को पैसा देना पड़ा और वो अपना एयरपोर्ट के बगल वाली डील, उसका फैसला भी हमारे फेवर में दिया। सारा स्लम का लैंड जो था वो बिल्डर को मिल गया, उसमें कम से कम नहीं तो आपने कितना 20-30 खोखा दबाया होगा। नहीं, भूल गए क्या? अरे बड़े बड़े झोल झपाट हैं इनके, वो चड्डा बांद्रा वाला चड्डा खान, पता नहीं क्या क्या। मात्रे, जयशंकर, हो कहा तुम लोग? ए, रुको, अंदर जनता की अदालत चल रही है, चलो जाओ। इस टेप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर आपके और इसकी पुरानी बिजनेस डील रिकॉर्ड है, सुनना चाहेंगे आप? पठान, ये जानते हुए कि तुम्हारे भाई के खून में इन पुलिस वालों का हाथ था, इसके बावजूद भी तुम इनका साथ दे रहे हो? अरे घास चरने गई थी अकल मेरी, जब तुम्हारे जैसे लोग और नेता लोग पलटी मार सकते हैं तो हमारा क्या है भाई, हमको भी आता है सौदा करना, ऐसा थोड़ी है। पठान, हम लोगों को धोखा दे रहा है तो जिंदा नहीं बचेगा। और सुन ले, तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, तेरे न जाने कितने आदमियों को मैंने टाटा मौका से बचाया है और हजारों करोड़ों के बिजनेस से, पब्लिक जिसे स्कैम कहती है, स्कैम, तुमने मानिक राव वालिया ने मेरी वजह से न जाने कितने पैसे कमाए, भूल गया? और आप लोग जो पठान की धौंस दे रहे हैं, भूल जाइए, अगर आपके पास पठान है तो मेरे पास कलम है, कलम की ताकत, खड़े खड़े डिसमिस करवा दूंगा। अब आप जाइए, लेट मी वर्क। ले
तेरे तेरे न जाने कितने आदमियों को मैंने टाटा मौका से बचाया है और हजारों करोड़ों के बिजनेस से पब्लिक पब्लिक जिसे स्कैम कहती है स्कैम तुमने मानिक राव वालिया ने मेरी वजह से न जाने कितने पैसे कमाए भूल गया। अरे यार क्या चाल के लिए तुम्हें ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गए। अबे तुम्हारा तो पोपट हो गया यार। अरे भाई पहले टेप में कुछ नहीं था अब तो तुम्हारी कैसेट जब गई। फैसला सुनाने से पहले ये तय कर लीजिएगा कि आपका ये पहलू जनता और बार काउंसिल के सामने आ जाए तो कैसा रहेगा। जज साहब अगर हम चाहें तो इस टेप को कोर्ट रूम के अंदर चला सकते हैं लेकिन उसके बाद देश की 100 करोड़ से भी ज्यादा जनता का विश्वास कानून व्यवस्था पर से उठ जाएगा। इसलिए भारत के एक अच्छे और सच्चे नागरिक की हैसियत से आपसे अपील करता हूं कि आप अपना फैसला दें, फैसला जल्द दें और इस फैसले के फौरन बाद अपना इस्तीफा दें ताकि ये फैसला आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला हो जाए। चलें। अब हमें जरा नेपाल जाने की तैयारी करनी है। 15-20 साल बाद चले जाना। क्यों? अरे मेरे साथ भी मेरे साथ होगा पठान के साथ होगा। क्यों बे तूने क्या अपने आप को हम पुलिस वालों का दामा समझ रखा है? मोहिते मजाक कर रहे हो ना। लेके जाओ उसको। पटाई जी चल चल विक्रम साहब लेके जाओ उसको। अरे चल चल रे चल 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 साथ दिया। चल रे इसको लेके जाओ डाल अंदर लेके जाओ उसको। सारे गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत माणिक राव मिस्टर गौतम वालिया और हीरा चंद पर लगे हुए तमाम चार्जेस में मुजरिम करार देती है। प्रधान मर्डर केस की साजिश इन्होंने रची थी। जितने भी गैर कानूनी डील्स में इनके नाम आए हैं सब उल्टा हो रहा है। उनकी बारीकी से जांच की जाए। कंग्रेचुलेशन। किरण मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं हूं। I'm really proud of you. हम लोग शाम में मिलते हैं। काफी मुश्किल दौर से गुजरे हैं हम लोग नहीं? अभी तो ये शुरुआत है सर। अप्पा कदम नायक की लिस्ट में देखिए ना अभी बहुत सारे नाम बाकी हैं। अभी तक तो कुरुक्षेत्र में राम बन के घूम रहा था लेकिन जरूरत थी भगवान कृष्ण की। चलो Jimmy, 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 Jimmy,